हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दीपक कुमार जी का कमेंट है, सर 40x40 का प्लॉट है, नॉर्थ में रोड है, हमें 2 पार्ट में घर बनाना है, प्लान बताइए। तो दीपक जी, आपके लिए प्लान बनके तैयारी तैयार है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्लान अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये जो प्लान है, शायद आप रेंट पर्पज के लिए बना रहे होंगे, चाहे आपके 2 लड़के होंगे उनके लिए 2 फ्लैट सेपरेटली बनाना चाह रहे होंगे। तो आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने बनाने की पूरा कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, ये डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, 40x40 का ये प्लॉट है जिसके अंदर मैंने 2 फ्लैट बनाया है सेपरेटली अलग अलग। देखिए, यहाँ पे स्टेयर है, स्टेयर के नीचे से एंट्रेंस है, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन में देख सकते हैं। डॉटेड लाइन इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपको देखने समझ में आए कि यहाँ नीचे स्पेस है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ से फ्लैट 1 में, यहाँ फ्लैट 2 में। तो यहाँ फ्लैट 1 में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ आपको एंट्री करते ही आपको यहाँ पे छोटा सा लॉबी है और सामने में एक कॉमन टॉयलेट है। इस टॉयलेट के चाहे तो दो इस तरफ भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरफ भी दिए हैं। और यहाँ पे एक रूम है, पहले कॉमन टॉयलेट का साइज है 8 फीट बाय 4 फीट का, और एक रूम यहाँ पे है फ्रंट में जिसका आपको डायमेंशन है 14 फीट 10 इंच बाय 11 फीट 5 इंच का। फिर यहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा, हॉल जो कि 14 फीट 10 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का है। फिर यहाँ पे एक ओपन किचन है जो कि 12 फीट बाय 7 फीट का है, और यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है जो कि 11 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का है, जिसमें टॉयलेट अटैच है जो कि 3 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का है। फिर आप फ्लैट नंबर 2 में आएंगे तो आपको उसी तरह से यहाँ पे लॉबी है, यहाँ पे डाइनिंग है जैसा कि फ्लैट नंबर 1 में था, सेम साइज 14 फीट 4 10 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का है, और एक कॉमन टॉयलेट है जो कि 8 फीट 4 का है, और एक रूम यहाँ पे है जो कि 14 फीट 10 इंच बाय 11 फीट 5 इंच है। सारे में आप देख सकते हैं विंडो का अच्छा से जगह दिया गया है, प्रॉपर ख्याल रखा गया वेंटिलेशन का। और यहाँ पे किचन है जो कि आप देख सकते हैं 12 फीट बाय 7 फीट का है, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम है जो कि 11 फीट 4 इंच बाय 12 फीट, और यहाँ पे एक टॉयलेट है जो कि अटैच है इस रूम से, इसका डायमेंशन 3 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे वास्तु के हिसाब से मैंने इस फ्लैट को डिजाइन किया है। यहाँ पे ईस्ट और साउथ कॉर्नर पे आपको किचन है, यहाँ पे आपको वेस्ट और साउथ कॉर्नर पे मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे आपको एक कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पे छोटा सा पूजा रूम भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस काफी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ दीपक जी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल पे अगर जो भी नए हैं, आपको बता दूं कि आप लोग जो भी डिमांड करते हैं, जो भी आप लोग का रिक्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर मैंने जल्द से जल्द अपलोड करना चाहता हूँ, अपलोड कर देता हूँ प्लान। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का प्लान चाहिए, आपका किस तरह का प्लॉट है, किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि उसे बना करके आपके सामने अपलोड कर दूँ। तो चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे और घर से ही अपना सारा काम कर रहे होंगे। तो बैठे बैठे ये काम भी कर डालिए, अपने घर पे प्रैक्टिस कर डालिए, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये सब काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दीपक जी स्पेशली। और अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए नए अपडेट।